जा रहे हैं। हमारे मेहमान आ गए। क्या गजब इंजॉय। अभी का प्लान ये था कि पार्सल ऑफिस में पहले जाना था, क्योंकि हम लोग अपने ब्रूनो को लेके जा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो मेरे पतिदेव गए हैं अभी पार्सल ऑफिस, फिर क्योंकि हम लोग इसको लेके जाते हैं फिर ब्रूनो इतनी देर वहाँ पे इरिटेट हो जाता, और वो पास में ही है, तो इसलिए हम लोगों का ये प्लान बना कि वो जैसे वहाँ पे उनका काम खत्म हो जाएगा वो यहाँ पे आएंगे और वो रिक्शा लेके और हम लोग तीनों जाएंगे सामान के साथ। और सामान मैं बताती हूँ किसका कौन सा बैग है। ये मेरा बैग है क्योंकि मैं लंबे टाइम के लिए जा रही हूँ, आई थिंक 1 मंथ। और ये क्यूट सा बैग है ब्रूनो का, और ये है मेरे क्यूट से पतिदेव का। और अभी रूम की हालत बहुत ही खराब हो रही है, तो मैं इसको बिल्कुल सही करूंगी। और डिनर मैंने बना दिया है, डिनर भी पैक हो चुका है, तो बस अभी काम कुछ नहीं है, बस मुझे ये रूम सही करना है। अभी मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन, जल्दी जल्दी मैं पार्सल टिकट मारता हूँ दोनों का, उसके बाद मैं लेने जाऊंगा रिक्शा और दोनों को साथ में। ऑल सेट ले जाए। कैसे रोक दे रहा है, तो दोस्तों ब्रूनो भी निकल रहा है, देखो सामने जा रहा है। तो गाइस हमको सीट मिल गई है हमारी B1B में 5 और 6 है। ब्रूनो कैसा लग रहा है तुझको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ब्रूनो कैसा लग रहा है? ताकि ये गद्दे ना फाड़े इसीलिए इसको ये बिछा देते हैं, ब्रूनो भी इसी में सोएगा। ब्रूनो को इतनी जल्दबाजी हो रही ना सोने की, इसके लिए जो टॉयलेट पेपर लेके आए हैं ताकि ये पॉटी वोटी करेगा, तो इसमें जल्दी से उठा के बाहर फेंक दूंगी। और एक चीज हाँ, और टॉयलेट के लिए मैं एक कपड़ा लेके आई हूँ इसके लिए, अगर टॉयलेट करेगा ना उससे पोंछ दूंगी मैं। और इसका ये खाने का सामान ये रहा, इसमें पानी, उसमें इसका खाना है और इसमें इसके ट्रीट। और ये देखो कितनी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। नीचे आप नीचे जाओगे या ऊपर ही ऊपर वाले उसमें जाओगे? मैं नीचे सो जाऊंगा ब्रूनो के साथ। अभी जो सोगे ब्रूनो के साथ के चाल दो है ना। ये ब्रूनो का टाल है, अब ब्रूनो का टाल यहाँ पे बिछा रखा गया सोता है। ब्रूनो को पहले स्टार्टिंग बहुत हाँप रहा था बट अब ठीक हो गया है, तो अभी हम यहाँ से अराउंड 5:20 में यहाँ से ट्रेन निकलेगी, उसके बाद हम सीधे बरेली पहुँचेंगे। ब्रूनो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? अभी ये हुआ है कि ब्रूनो ना मेरे पास नहीं सोया, इनके पैरों के नीचे सो गया। दिखाती हूँ। तो गाइस अभी मैं जो पार्सल हाउस में गया वहाँ पे मैंने ये टिकट कटाया जो मैं आपको पहले दिखाया है, लगेज टिकट कहाँ से गाजीपुर से बरेली तक। और ये सारा यहाँ जो 10 किलो का वेट होता है उसको काउंट नहीं करते हैं, वो सीधे 60 केजी को मानते हैं इंडियन रेलवे। तो मैंने टोटल 265 इसका फेयर डिसाइड हुआ। मजा आ रहे हैं। पॉटी करवाने लेके गए। तो गाइस हमने खाना खा लिया, लंच कहते डिनर अपना कर लिया है, ब्रूनो ने भी कर लिया अपना डिनर, उसको मैं बाहर घुमाने ले गया था, ब्रूनो दीक्षा ने आपको दिखाया होगा। और हम दोनों ने एक्चुअली आज बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है अगर हम खाना एक टिफिन बनाते, क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लगी थी और दीक्षा ने दोनों टिफिन में लेके आई, थैंक गॉड सबका पेट भर गया। और आपने बोला था कि एक ही टिफिन में लाना और हम दोनों शेयर करके खाना, कोई नहीं और क्या कहते बनाओ मत ना, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही बोला था आपने। गाइस ये अंदर कर रहा था तो मैंने ना उसको बोतल दे दी, कहते भैया तू बोतल से चल, अरे बोतल से चल रहा है उसको मजा आ रहा है, आवाज कर दी ना तो बहुत मजा आ रहा है, बोला कि मैं ऐसे ही खेलूंगा। तो अभी हम लोग आई थिंक पहुंच गए हैं बरेली। कहां पहुंचे? अभी थोड़ा सा पीछे है, 5-10 किलोमीटर पीछे। तो कितना टाइम लगेगा अभी? शाहजहांपुर से 1 घंटे लगेगा। देखो 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 रेस्टोरेंट में कुछ खा रहा है। तो ब्रूनो की ना आई थिंक मुझे लग रहा है ट्रैवल करते हुए थोड़ा उसे वॉमिट हो रही है, तो कोई नहीं अभी चलो कार्ड वर्ड खाएगा तो सही हो जाएगी। ब्रूनो चले आ गया आपको? ब्रूनो का ट्रेन का सफर यहीं खत्म होता है, फिर ब्रूनो जर्नी करेगा जिस दिन ये वापस आएगा। क्या ब्रूनो ये दिन वापस आएगा उस दिन आएगा ना ट्रेन से? कर दिया इसने, कपड़ा निकालो, कर दिया इसने। चलो पकड़ा।
वो आगे जा रहे हैं तो अभी बज रहे हैं 3:30। सर बिल्कुल टाइम पे पहुंचा दिया आज, 3:30 हो गया है। पापा लोग भी आई थिंक आ गए होंगे और हम लोग भी पहुंच ही गए हैं। ये अब मैंने बैग मैंने पकड़ा है, दोनों पापा से मिल रहा है नवीन से। एक बार मैं जरा पूछ के आता हूँ ना पार्सल हाउस में, जब वापस जाने का क्या सीन है। अपने मिस्टर से भी मिल लिए हम, अब मिस्टर के साथ ब्रूनो में मिल लिया है। ब्रूनो बड़े ब्रूनो पॉटी नहीं कर रहा, पता नहीं इसका पॉटी क्यों नहीं हो रही, इसका पेट वेट भी खराब हो रहा है। ठंड ठंड से वॉमिटिंग हो रही थी ना उसको, ठंड से होती है कहीं हिलने से हो रही थी। गाइस अभी हम जा रहे हैं घर को और ब्रूनो भी थोड़ा सा डर रहा था पहले स्टार्टिंग में मिस्टी के साथ, बट अब एकदम सेटल हो गया है। तो अभी हम अराउंड यहाँ से लग जाएगा अराउंड हमको 1 घंटे के अराउंड, फिर हम मम्मी से मिलेंगे, ब्रूनो मम्मी से मिलेगा। तो गाइस फाइनली हमारा घर आने वाला है, ब्रूनो पहुँचने वाला है घर। ब्रूनो घर आने वाला है, चल यार उठ जा, उठ उठ, गुड बॉय। लोमी क्या कर रहे हो? चल रहे हैं घर आ गए, घर एक्साइटेड हो गया, हमारे मेहमान आ गए। ब्रूनो मस्त कर रहा है, मम्मी तू ब्रूनो है, मम्मी का पहचान रहा है। आजा चल जा पॉटी कर, उठ उठ करके जल्दी जा, इधर आ इधर। तो गाइस नवीन हमको लेने आया था, तो नवीन हम जा रहा है, नवीन मिलते हैं। आना ब्रूनो बात कर लो, बात कर लो, बाय करें, बाय करें। ये नानी है, नानी ब्रूनो को सबका प्यार मिल रहा है, नाना नानी। ये से जंजीर है, नानी कैसा लग रहा है ब्रूनो से मिलके? बढ़िया नाना। नाना जी आपकी तबीयत सही है? अब आपकी तबीयत ठीक है? अरे अब थोड़े सही हो गए है ना, हाँ रौनक है। पापा तो प्यार कर रहे हैं ब्रूनो को, पर मूसी को जलन हो रही है। तो अभी बज रहे हैं 12:31, मम्मी ने ब्रूनो को खाना दिया है। ब्रूनो को तो इतने मजे आ गए ना, मैं इसे इतना कम खाना देती हूँ, मम्मी कह रही कुछ नहीं होता, मम्मी ने इतना मैंने डोंगे में ना इसको इतना सारा खाना दिया है। ब्रूनो तेरे तो मजे आ गए, और ये जब से आए तब से सोए हुए हैं। आ जाओ खाना खाने, पहली बात बनाई है शायद, आओ। नानी आपको झोली भात पसंद है? नानी झोली भात पसंद है? तो आजकल हम लोग बाहर खा रहे हैं क्योंकि यहीं पे नाना जी भी हैं, हम लोग यहीं पे खाते हैं। ये मम्मी आज बनाई है झोली और भात। मम्मी बहुत दिन बाद हम लोग साथ में खाएंगे ना, नाना जी भी उठ गए हैं अभी। नाना जी अभी ठीक है तबीयत? हाँ मैं भी लेके आती हूँ कुछ पानी, लेके जाती हूँ। बड़ी बोतल ना नीचे है, ये पानी की बोतल ले ली है फ्रिज से, इतना बड़ा बोतल। तो इतनी गहरी नींद आई थी ना, मम्मी ने तो खाना भी बना दिया कि थकान हो गई थी। तो ये दोनों के दोनों अभी ब्रूनो को देख रहे हैं खाते हुए। पापा पूछ रहे कि नमक नहीं खाता? नमक नमक नहीं ना होता ना? हाँ। तो से पूछा, वाला। इसे तो मजे आ गए। मम्मी आपको ऐसा लगता है कि इतने दिनों बाद अहले खाती?
अभी शाम के 4 बज रहे हैं, घर पे पापा लोग 4 बजे चाय पीते हैं, तो मैं चाय बना रही हूँ। इसमें मैंने चाय पत्ती डाल दी है, ये दूध रखा है, देखते मम्मी लोग क्या कर रहे हैं बाहर। गैस की आँच कम कर देती हूँ ताकि बाहर ना जाए। मम्मी क्या कर रहे हैं? नहीं बेटा बैठे हैं यहाँ पर, बुलंद के साथ खेल रहे हैं। यहाँ रूनो को सबसे ज्यादा मजा आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल खुला खुला मिल रहा है इसे, और दादी का तो बहुत ही ज्यादा प्यार मिल रहा है। जहाँ इसको आधा आधा हिस्सा खाना है मिलता था, अब इसे थोड़ा डॉग दादी और परदादी। हाँ परदादी भी तो हुई ये ना ब्रूनो। यहाँ पे ये चीज जो है ना, ये ग्रीनरी मतलब ये प्लांट जो है, इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, बट एक पूरा रूम जैसा बन चुका है अब। ये देखो फैन ऑफ क्यों कर दिया, अरे वो लाइट चली गई। अभी चाय भी पी ली है मैंने, बर्तन तो धो दिए हैं अभी, बट मम्मी चाय नहीं पीती, मैंने भी आज चाय नहीं पी, तो मम्मी और मैंने पिया वो नींबू पानी, और लाइट चली गई अचानक से, बहुत गर्मी हो रही है। ये दांत आ रहे हैं अभी। हाँ दो दांत इसके सामने वाले आए, ये अभी और आ रहे हैं, दांत टूटते हैं दूध वाले दांत। ब्रूनो को इतने मजे आ रहे हैं यहाँ पे मम्मी की लगाई हुई घास में, क्या गजब एंजॉय कर रहा है ब्रूनो। ब्रूनो बेबी कम कम तुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ, मम्मी का प्यार भी मिल रहा है, इतना भर भर के खाना है। खा खा तो खा बस बस खा। है नानी गोल्ड की याद आ रही ना, कितना अच्छा लग रहा है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पे। ये तो 6 महीने बाद मिल रहे हैं सबसे, और नाना नानी लोग आए तो अच्छा लग रहा है। मार्च के टाइम पे आया तो उसको कहाँ आया था, 6 महीने होने को। मम्मी आपने इनको मिस किया, याद किया आपने बेटे को? कितना कितना याद किया? याद तो रोज ही हुई, कना वीडियो कॉल डेली हो रही है। वहाँ तो नहीं आता आप देखेंगे ना पिताजी। ये मम्मी लोग हमेशा यही बोलते हैं, देखेंगे ना। मम्मी एक काम करता, नाना नानी को भी वहीं लेके आ जा, गाजीपुर है नाना जी। चलो वहाँ बनारस तीर्थ यात्रा करके पापा ब्रूनो का ये गाड़ी वाला हो रहा है, कहाँ है वो नहीं। ब्रूनो के लिए बॉल लेके आया, बॉल लेके आया, बस प्यार ही प्यार मिल रहा है, और उसका वहाँ अलग ही चल रहा है। ब्रूनो ले काम, यहाँ जाओ, मैं यहाँ पे बिजी इन ले ये बेटा गो ला 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 कम 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 गुड गुड बाय पापा को दबाओ बोलिए। अब देखते हैं कौन जीतता है। मैं जीता। आप जीते, दोबारा करो। हाँ तो झूठ झूठ बोलो, पापा ने बेटे होकर के छोड़ दिया होगा। मम्मी यहाँ पे ब्लॉग देख रही है, दो दो काम एक साथ कर रही है। बुबू जी का हाल, अम्मा लेने के लिए आई है बहुत दूर से। बुबू के बारे में पूछ रहे कि आप कैसे हो, कैसी तबीयत है, खाना वाना खाया नहीं खाया, बोल नहीं पा रही ना अम्मा, आवाज नहीं आ पा रही बाहर। है मम्मी पेट आपका? मैं नहीं यहाँ बना, मैंने मैं ये कुछ मैं ये जगह पे आन बनी बैठूंगी इसमें, अपने में इसके लिए बैठा हूँ, मैंने मैं इसके लिए बैठा हूँ कुछ। हम वो पतली होगी ना, बुबी लेके ना बैठा नहीं आया, चला ना मैं। आप पहली बार बैठ रहे हैं ना, आप पहली बार बैठे हैं ना। हम लोग जा रहे हैं पन्नागर, अभी आता मम्मी। हाँ तो आज बहुत दिनों बाद सवारी स्कूटी में चल रही है अपनी गलियों में, यहाँ की जो ये सामने वाली रोड है ना, बढ़िया बढ़िया, ये मुझे बहुत पसंद है। क्या? ये वाली जो रोड है सामने, ये वाली रोड बहुत अच्छी लगती है। साफ सफाई बहुत है ना? हाँ सफाई बहुत है।
देश मेरे, यहाँ लगता है यार, लगता है कि हाँ हमारा घर कितनी अच्छी जगह है ना। अगला मार दिया कोई खाता मार दे। देखते क्या क्या सामान लेता है आज, ये बोल रहे थे कि देखता है ये सामने क्या हो रहा होगा। अच्छे फोटो वोटो ले रहे हैं।